राजस्थानी समाज बड़ी धूमधाम से बिंदोरा, जिसे सामान्य बोलचाल की भाषा में गणगौर उत्सव कहा जाता है, श्रद्धापूर्वक मनाता है। विदर्भ न्यूज द्वारा बिंदोरा उत्सव की विस्तृत जानकारी लेने गौड़ ब्राह्मण महिला समिति की अध्यक्ष मनीषा दीक्षित से विधिवत जानकारी ली गई, जो हमारे दर्शकों के ज्ञानार्जन हेतु प्रस्तुत है। समाचार संकलन अशोक भाई जोशी। नमस्कार, मैं मनीषा दीक्षित, गौड़ ब्राह्मण महिला समिति की अध्यक्ष, और ये तारा जोशी, गौड़ ब्राह्मण समाज की सचिव, और ये सुषमा शर्मा, गौड़ ब्राह्मण समाज की एक सक्रिय कार्यकर्ता। हम जो पिछले 22 वर्ष से गौड़ ब्राह्मण महिला समिति गणगौर भव्य सामूहिक गणगौर बिंदोरे का आयोजन करती आ रही है, ये आयोजन सभी राजस्थानियों का सर्वश्रेष्ठ त्यौहार है। इसको हम लोग बढ़ चढ़ कर और बहुत अच्छे से अच्छे तरीके से मनाने की कोशिश करते हैं। लगभग अमरावती का सभी संपूर्ण राजस्थानी एवं सभी समाज इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेता है और हमें बहुत साथ देता है। इसमें सभी का योगदान रहता है, सहयोग रहता है। सभी बहनें सज धज कर अपनी संस्कृति और अपनी परंपरा के साथ में यहाँ पधारती है। इस बात की हमें बहुत खुशी है कि हमारी आने वाली नई भावी पीढ़ी, जो अब तक भूल चुकी थी, पिछले 10-22 सालों से जो हम ये जुलूस निकाल रहे हैं, जो शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, उस वजह से अब इतनी जागृति जागरूकता समाज में आ चुकी है कि सभी नवयुवतियाँ और युवतियाँ हैं, कुंवारी कन्याएं हैं, जो बीच में गणगौर पूजना बंद कर दी थी, मगर अभी इतने हर्ष की बात है, लगभग हर सभी घर में, सभी राजस्थानियों के घर में गणगौर की पूजन वापिस से शुरू हो गई है। सभी मोहल्लों में ग्रुप से लड़कियां जाती है, बहुत आनंद के साथ में कार्यक्रम होता है। यही सनातन हमारा धर्म है, यही परंपरा को हमको आगे बढ़ाना था। इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे पूरे सनातन समाज ने इसको स्वीकारा है और आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि दिन प्रतिदिन हमारे सभी त्यौहार हमारी भावी पीढ़ी को इसी तरह समझे और आगे से आगे जाए तथा इसको और ऊंचाइयों पे ले जाए, ताकि हम जो आज जो पहल कर रहे हैं, लगभग सभी समाज अभी इसी जागरूक हो चुका है। सभी समाज में कुछ न कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे किए जा रहे हैं। तो हम तो यही बोलेंगे, सनातन धर्म की जय हो, परशुराम जी की जय हो जी। जो बिंदोरा होता है, असल में ईसर गणगौर शिव और पार्वती जी हैं। जो शिव जी विवाह करते हैं, शिवरात्रि के दिन उनका विवाह होता है, ये हम सभी को पता है। उसके बाद में गौरा माता अपने मायके आती है, 16 दिन वो अपने मायके में रहती है, तब ईसर जी यानी शिव जी गौरा माता को लेने के लिए आते हैं। तब जो वहाँ पे सखियाँ, गौरा पार्वती जी की सखियाँ होती है, जो अटखेलियाँ करती है शिव जी के साथ में, वो ये 16 दिन में गीतों द्वारा गाया जाता है, तथा जो उनकी सखियाँ होती है उसमें मालन भी है, ईसर है, गणगौर है, और रोवा सोवा है, ये सब कानीराम जी है, ये सब उनके सखा है, बाल सखा है पार्वती जी के, तो वो सभी उनके शिव जी के साथ में अटखेलियाँ करते हैं और शिव जी को 16 दिन तक इस तरह गाने गा के, गीत गा के शिव जी का और गौरा जी का लाड़ करते हैं तथा उनको बहुत प्रोत्साहित करते हैं कि आप ही हमारे देव हो, हम आप ही हमारे इष्ट हो। उसके बाद में तृतीया गुड़ी पाड़वा के दिन और दूज होते हैं, दूसरे दिन द्वितीया होती है, द्वितीया के दिन सिंजारा मनाया जाता है। उस दिन गणगौर माता यानी मेहंदी लगाती है, जिस तरह हम बेटी को ससुराल से विदा करते हैं, उसी तरह तृतीया के दिन हम गणगौर माता का विसर्जन करते हैं शाम में, तथा बहुत जोर शोर से उस दिन सुबह से लेकर रात तक पूरे राजस्थानी के घर में एक इतना अच्छा माहौल होता है, यानी देखते ही बनता है, एक तो बहुत उत्साह और बहुत ही खुशी होती है। तृतीया के दिन सभी राजस्थानी महिलाएं संपूर्ण श्रृंगार से सुसज्जित रहती है उस दिन, तो ये एक बहुत ही अच्छा हमारी संस्कृति है, इसे हमें कायम रखना है। आज के दिन सोमवार का दिन है, शाम में 5 बजे का समय है, वो बिंदोरा निकलेगा, गाजे बाजे ऊंट घोड़े, यहाँ तक कि हमारी जो संस्कृति है जवारा, हम लोग हमारे ईसर गणगौर के पास में जवारे और धूप भी रखते हैं, वो भी साथ में लेके चलते हैं, पालकी होती है, और अब की बार शिव पार्वती और राधा कृष्ण की झांकियां हैं, और इस वर्ष हमने कुछ नया करने का सोचा है। सरोज चौक पर और शक्करसार चौक पर बहुत अच्छे अच्छे नृत्य नाटिकाएं रहेंगी। मैं सभी से आह्वान करती हूँ कि सभी इसका लाभ उठाए तथा सभी इस बिंदोरों में शामिल हो तथा आकर आनंद लें,
हम जो ये व्यस्त हमारी जीवन है उसमें हम बहुत टेंशन में रहते हैं, हम यदि इस तरह के कार्यक्रम देखते हैं तो हम बहुत रिलैक्स होते हैं, कम से कम 15-20 दिन तक हम उस माहौल को भूल नहीं पाते हैं, तो यही खुशियाँ हमारे लिए बहुत होती है। इसलिए आह्वान करती हूँ कि सभी कृपया करके अवश्य पधारें।